संवरती है किस्मत संवरने से पहले
तो कल का प्रसंग बड़ा ही सुंदर प्रसंग था। इस पृथ्वी पर प्रभु श्री राम जी आए हैं क्योंकि पापियों की संख्या बढ़ चुकी थी और आज का प्रसंग जो है बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि किस प्रकार भगवान योगी राज कृष्ण मथुरा में अवतार लेकर के आते हैं। तो भगवान की लीलाएं क्या हैं ये तो कोई भगवान का सच्चा भक्त होगा वही समझ पाएगा कि भगवान की लीलाएं क्या हैं। भगवान की भक्ति करना बस उसी को अच्छा लगता है जिसमें भगवान की हल्की सी झलक होती है, जो राक्षसों की भांति होते हैं वो भगवान की कथाओं से बहुत दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वो स्वयं को ही भगवान समझते हैं। कहा जाता है कि जरूरी ये नहीं कि आप भगवान के दरबार में जाओ, कुछ दान प्रभु की चरणों में दीजिए, बस यही भक्ति हो गई है। यदि आपने अपना सच्चा मन प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया तब भी भगवान बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए हैसियत नहीं, कुछ हैसियत वाले भी लोग दान देने में पीछे हट जाते हैं। इसलिए कहते हैं दान करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए हैसियत नहीं, और सबसे बड़ा दान यदि आप अपना मन सच्चे भाव से प्रभु की चरणों में दान कर दें। जब तक बैठी तब तक भगवान की चरणों में अपना मन लगाए रखें, क्योंकि कुछ भक्त भी ऐसे ही हुआ करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ करके पूजा कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहाँ है, दरवाजे पर चप्पल उतरी हुई है कोई दूसरा ना पहन जाए, नेत्र बंद करी करके बैठे हैं, राम 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 राम, पीछे मुड़ के देखा नहीं नहीं वो लाल वाली चप्पल हमारी है वो वहीं रख दो। ध्यान भटक रहा है। आप सच्चे मन से भगवान की भक्ति करिए, क्या जा रहा है, क्या मिल रहा है, देने वाला लेने वाला सब वही तो है। तो गौर करेंगे कि इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे महान राजा हुए जिनका नाम वेदों में पुराणों में लिखा चला आ रहा है। इतने बड़े दानवीर, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र, प्रमाण ये मिलता है कि हरिश्चंद्र पहले दानवीर नहीं थे, पहले ही बहुत झूठ बोलते थे। इनकी पत्नी का नाम तारा था, तारा के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। तो तारा
अपने पति से कह रही हैं, यदि भगवान ने हमें एक पुत्र दिया होता, देकर के यदि छीन लिया होता, तो समाज के लोग हमें ताने नहीं देते, समाज के लोग हमसे बांझ नहीं कहते। यह सुन करके हरिश्चंद्र बड़े दुखी हुए, और जब हरिश्चंद्र दुखी हुए तो जंगल में निकल जाते हैं। एकांत जगह में जाकर के और बड़े ही दुखी हैं, विचार कर रहे हैं कि हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। वहीं से वरुण देव जी गुजरते हुए जा रहे थे, जब वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को देखा, पूछने लगे, क्या बात है, आज आप बहुत उदास हो। हरिश्चंद्र ने कहा, उदास होने वाली बात है, क्या करें हम, हमारी पत्नी तारा, जिसके गर्भ से एक भी संतान ने जन्म नहीं लिया, जब वरुण देवता ने सुना है तो समझाया है, भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, हमारे प्रभु हमारी पुकार को अवश्य सुनेंगे, लेकिन हम आपको एक वरदान देंगे, आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको हमारा यज्ञ करवाना होगा, और उस यज्ञ में आपको अपने पुत्र की बलि देनी होगी। जब ये सुना, हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, चले जाते हैं वहां से। महलों में पहुंचे हैं, कुछ समय व्यतीत हुआ, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हरिश्चंद्र की पत्नी तारा के गर्भ से सुंदर सा बालक जन्म लेकर के आता है। जब बालक ने जन्म लिया, वरुण देवता को जब पता चला, तो वरुण देव जी हरिश्चंद्र के द्वार पर जाते हैं, कहा है कि अब तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया है, तो आप ऐसा करो, हमारा यज्ञ करवाओ। हरिश्चंद्र ने कहा, हे वरुण देव जी, बड़े दिनों के बाद हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, और यदि हम अभी इसे यज्ञ में चढ़ा देंगे, पत्नी हमारी रो रो करके मर जाएगी, इसलिए आप हमारे बच्चों के जब दांत निकल जाए, तब हम आपका यज्ञ करवाएंगे, तब तक आप रुक जाइए। बात को मानते हुए वरुण देवता वहां से लौट जाते हैं। जब वो वहां से लौट जाते हैं, जब बच्चे के दांत भी निकल आए, और वरुण देवता फिर से आए हैं, हरिश्चंद्र ने वरुण देवता से झूठ बोल दिया, कहा है, हे वरुण देव जी, हमने ये वाले दांत नहीं बताए थे, ये वाले दांत उखड़ करके जब दूसरे दांत जमेंगे, तब हम आपका यज्ञ करवाएंगे। वरुण देवता बहुत क्रोधित हुए, क्रोधित होकर के उन्होंने बात को मान करके वो वहां से चले जाते हैं। जवाब दिया है, अब की बार हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। हरिश्चंद्र बड़े ही चिंतित बैठे हुए हैं। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, वरुण देवता फिर से आए हैं। जवाब दिया हरिश्चंद्र,
अब आप हमारा यज्ञ करवाओ। जैसे ही रानी तारा ने सुना, रानी तारा ने जब ये सुना है कि वरुण देवता के यज्ञ में हमारे पुत्र की बलि चढ़ाई जाएगी, तो मैया ने अपने पुत्र को गोद में बिठाया। रो करके वो माँ समझाने लगी, मेरे लाल, तुम हमारे कहने से महलों को छोड़ करके जंगल में भाग जाओ, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। आज माँ की बात को मान करके रोहिदास जंगल में भाग जाते हैं। जब जंगल में भाग जाते हैं, इधर वरुण देवता से हरिश्चंद्र का युद्ध हुआ है, लेकिन उस युद्ध में पराजित हो जाते हैं हरिश्चंद्र। आज हरिश्चंद्र बड़े ही दुखी हैं, रोग से गिर चुके हैं। जंगल में जब रोहिदास को पता चला, तो रोहिदास खबर को सुनते ही, जैसे ही जंगल से महलों की ओर चले, विश्वामित्र जी ने ब्राह्मण बनके रोहिदास को जंगल में ही रोक लिया। बेटा, कहां जा रहे हो? यदि आप महलों में जाओगे तो वरुण देवता तुम्हें मार देंगे, यज्ञ में तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे, इसलिए तुम वहां ना जाओ। पिता को रोग से मुक्त कराने के लिए बेटा बड़ा हैरान है। एक अजीतगर्त नाम के ब्राह्मण थे, जिन ब्राह्मण के तीन पुत्र थे। रोहिदास जाकर के कहने लगे, ब्राह्मण जी, आप हम पर दया कीजिए, आपके एक पुत्र की हमें जरूरत है। यदि आप हमें एक पुत्र देंगे, बदले में हम आपको 100 गाय देंगे। लोभ में फंस गए ब्राह्मण, पाप का बाप कौन होता है? पाप का बाप कौन होता है? लोभ, लालच। लोभ लालच यदि किया तो समझो पाप के भागी बन गए आप। लोभ करने की जगह हो वहां लोभ करिए। हॉस्पिटल में लोभ क्यों नहीं करते हैं? स्कूल से लेकर के हॉस्पिटल तक प्राइवेट पर ही भरोसा है, लेकिन कमाई और जमाई दोनों सरकारी होना चाहिए। लोभ करने की जगह हो वहां लोभ करिए। बेटी की शादी हो, लोभ नहीं करना चाहिए। माता पिता धन दौलत खर्च करते हैं, बढ़िया से घर में बेटी का विवाह करते हैं, ताकि हमारी बेटी हमेशा खुश रहे। आप हमें ये बताइए, यदि आप पैसे वाले घर में यदि अपनी बेटी का विवाह करते हैं, क्या वो बेटी वहां खुश रहती है? तब भी वो किसी और पर निर्भर होती है, होती है या नहीं? पति पर। यदि आप गरीब घर में भी कर दें, तब भी वो निर्भर होगी किस पर? पति पर।
पैसा कहीं काम नहीं आता, जहां संस्कारी लोग होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, वहां आपकी बेटी की इज्जत होगी। जो धन का भूखा होता है वहां किसी की इज्जत नहीं हुआ करती। कुछ लोग धनवान भी बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग गरीब भी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी इज्जत नहीं होती। क्योंकि उनकी भावनाएं गलत होती हैं। आज अजीत गर्त ब्राह्मण लोभ में फंस जाते हैं, जाकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचे हैं, पत्नी से कहा कि हम एक पुत्र रोहितास को देना चाहते हैं, बदले में हमें 100 गाय मिलेंगे। माँ ने कहा नहीं, हमें छोटा पुत्र बहुत प्यारा है। पिता ने कहा हमें बड़ा पुत्र प्यारा है। बीच का पुत्र जो सुना शेष था, उसने जवाब दिया ना हम माँ को प्यारे ना पिता को प्यारे हैं। और ये बात सच है, या बीच का पुत्र कोई सर्विसमैन हो, कोई जॉब करता हो, तब तो घर में उसकी इज्जत है, नहीं बीच के तो कीच में ही होते हैं, लगे रहते हैं पीछे से। यदि उनके पास सरकारी नौकरी है, अच्छा कमाऊ इंसान है, तब तो घर में बहुत इज्जत है। सुना शेष ने हाथ जोड़ करके कहा पिता माँ न मैं आपको प्यारा न पिता को प्यारा, इससे अच्छा कि भगवान को ही प्यारा हो जाऊं। चल दी। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया, वरुण देवता इन्हें छोड़ेंगे नहीं, जाकर के उन्होंने वरुण देव से विनती की, प्रार्थना करने के बाद दोनों बच्चों को छुड़ा लिया। हरिश्चंद्र भी रोग से मुक्त हो जाते हैं, और जब रोग से मुक्त हो जाते हैं उसी दिन से हरिश्चंद्र हर रोज अपने महलों में यज्ञ करवाने लगे हैं। तो इधर जब विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की चर्चाएं सुनी, प्रजा के लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि भाई राजा हो तो हरिश्चंद्र की तरह बहुत बड़ा दानवीर है। धीरे धीरे वो चर्चाएं देवताओं में होने लगी, ऋषियों के बीच में होने लगी, बहुत बड़ा दानवीर है वो हरिश्चंद्र, मर सकता है लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटा सकता। विश्वामित्र ने जब ये प्रशंसा सुनी है बड़े ही क्रोधित हुए, मन में विचार किया है ऐसा कैसे हो सकता है, और यदि ये सत्य है तो हम उनकी परीक्षा लेंगे। गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, उन्होंने जवाब दिया है यदि आपको विश्वास न हो तो जाइए परीक्षा लेकर के देखिए। शूकर का भेष धारण करने के बाद जाकर के पहुंचे हैं हरिश्चंद्र के फूल बाग में। सारे फूल बाग को उजाड़ दिया, एक माली की जंघ को घायल कर दिया। रोता हुआ माली हरिश्चंद्र के पास पहुंचा, महाराज हमारे फूल बाग में एक
सुकर आ गया है जिसने सारे फूल बाग को उजाड़ दिया। इसलिए आप चलिए और उस सुकर को मार दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा संध्या का समय है, संध्या के समय किसी को यदि मारेंगे तो पाप लगेगा, संध्या के समय किसी को नहीं मारना चाहिए। जब सवेरा हुआ नौकरों को साथ में लिया है, नौकरों को साथ में लेने के बाद चल दिए हैं, जाकर के फूल बाग को चारों ओर से घेर लिया। ऐलान किया है हरिश्चंद्र ने, यदि वो सूकर किसी के पास से होकर के गुजरा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। जब ये बात सूकर ने सुनी तो मन में विचार किया, क्यों ना हम हरिश्चंद्र के पास से निकल के जाएं, कोई मारा भी नहीं जाएगा, हरिश्चंद्र भी फंस जाएंगे। उसी समय सूकर बन करके विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के पास से गुजर के जाते हैं। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा तो हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लिए पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा कि हरिश्चंद्र बहुत पीछे हैं। एक मोड़ पर जाकर के हरिश्चंद्र जब पहुंचे हैं, क्या देखा कि एक ब्राह्मण बन करके विश्वामित्र जी माला का जाप करने लगे। हरिश्चंद्र ब्राह्मण के सामने पहुंच करके हाथ जोड़ के कहने लगे, हे ब्राह्मण जी, क्या आपने यहाँ से किसी सूकर को जाते हुए देखा है? ब्राह्मण ने नेत्रों को खोल करके देखा, जवाब दिया, दिखने में बहुत बड़े वीर बहादुर लगते हो, सूकर का शिकार कर रहे हो आप, क्या नाम है, कहाँ रहते हो आप? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। हरिश्चंद्र का नाम सुनते ही ब्राह्मण जी बोले, क्या आप वही ब्राह्मण हो जिनका हमने बहुत बड़ा नाम सुना है? क्या आपके द्वार पर यदि कोई जाता है वो खाली हाथ लौट करके नहीं आता? बहुत बड़े दानवीर हो आप, क्या ये सत्य है? जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने, हाँ ब्राह्मण जी, यदि आप भी कुछ मांगना चाहते हो तो मांगिए, हमारे दरबार में चलिए आप, आप जो भी मांगेंगे हम आपको देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, हम ऐसे भरोसा कैसे करें कि हम आपसे जो मांगेंगे आप हमें वही देंगे? बोले, आप भरोसा कीजिए, नहीं ऐसे भरोसा नहीं करने वाले, फिर क्या करें? बोले कि दरवाजा भरिए आप, अपने गुरु की सौगंध खाइए कि हम जो भी मांगेंगे आप हमें वही देंगे। गुरु की सौगंध खाई है, दरवाजा भर लिया हरिश्चंद्र ने, हे ब्राह्मण जी मांगो, क्या मांगना चाहते हो आप? बोले, संकल्प में पहले कुछ दान दीजिए। बिना सोचे बिचारे हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी के कहने से कुंजी और लगाम ब्राह्मण जी के हाथ में संकल्प के रूप में जब सौंप दिया है, बिना ही सोचे बिचारे आज जब ब्राह्मण जी ने देखा, जवाब दिया है हरिश्चंद्र, अब आप हमारे साथ अपने दरबार में चलिए।
बोले 60 भार सोना आपको देना होगा। हरिश्चंद्र को इस बात की खबर नहीं थी, बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मण जी को साथ में लिया, जाकर के दरबार में पहुंचे हैं, नौकरों को इशारा देकर के अपने पास बुलाया कि आज हम अपने हाथों से ब्राह्मण जी को दान देंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जैसे ही नौकर पास में आया, नौकर ने जब कुंजी मांगी, हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हुआ, हमारा हमसे पहले ही सब कुछ छीन लिया। चेहरे पर उदासी छा गई। विश्वामित्र जी ने जैसे ही हरिश्चंद्र की ओर देखा, जवाब दिया कि ओ हरिश्चंद्र, क्या राज्य जाने का दुख हो रहा है? बोले नहीं, फिर किस बात का दुख है? बोले दुख इस बात का है कि आप बन बन में भगवान का भजन चिंतन करने वाले और आप भला इस राज्य को चलाना क्या जाने। ब्राह्मण जी ने जवाब दिया है, हरिश्चंद्र आप इस बात की चिंता न करें, ये सारा राज्यपाट ये सब हमारा है और ये नौकर हमारे हैं। आप चाहे कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, हमारा 60 भार सोना आपको चुकाना पड़ेगा। चाहे तुम बिक जाओ, तुम्हारी पत्नी बिक जाए, तुम्हारे बच्चे बिक जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं है। जवाब दिया है, हे ब्राह्मण जी, ये प्रजा हमारी बड़ी भोली भाली है और आप भगवान का चिंतन करने वाले, आप भला इस राज्य को चलाना क्या जाने, इसलिए हमारी आपसे एक विनती है। एक विनती है नाथ हमारी, जो देखिए
हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। हे ब्राह्मण जी, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आपके नौकर बन करके हम आपके दरबार में आपकी सेवा करेंगे। जो भी हम कमाएंगे वो हम आपको ही देते जाएंगे, सारा कर्ज आपका चुका देंगे। लेकिन ब्राह्मण जी, हम महलों को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण जी ने जवाब दिया, यदि आप यहाँ रहोगे प्रजा के लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए आप अभी इसी वक्त कहीं भी जाओ लेकिन हमारा कर्ज चुका हो। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। चल दिए जाकर के महलों में जब पहुंचे हैं, जब महलों में पहुंचे तो रानी ने देखा, रानी पूछने लगी, महाराज क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों हो? क्या हमसे कोई भूल हो गई या फिर हमारे दरबार से कोई खाली हाथ लौट गया या फिर कोई भिखारी भूखा लौट गया? बताइए ना महाराज। हरिश्चंद्र ने जब सुना है, पत्नी को धीरज बंधाते हुए कहा, रानी क्या बताएं हम आपको। एक ब्राह्मण जी ने पल भर में हमारा हमसे सबको छीन लिया। ये राज्य अब हमारा नहीं रहा रानी। ये वस्त्र आभूषण जो आप पहने हो इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा रानी। रानी, हमें राज्य जाने का दुख नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि हमारा सब कुछ चला गया उसके बाद भी हम अभी कर्जेदार हैं। रानी क्या करें? रानी ने जब सुना, जवाब दिया है, महाराज अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूं, पति का हर दुख बांटने का अधिकार पत्नी को होता है, यही तो भगवान ने जोड़ा बनाया है कि दुख और सुख में दोनों पति पत्नी साथ रहें, यही तो पतिव्रता नारी की पहचान होती है। रानी ने कहा, महाराज आप बताओ कि हम आपका क्या साथ दें? जवाब दिया है रानी ने, महाराज क्या करना होगा हमें? हरिश्चंद्र ने कहा, रानी क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो? जब ये शब्द सुना, रानी ने कहा, महाराज अरे आप हमें इस प्रकार पूछ रहे हो जैसे आपका हम पर कोई अधिकार न हो, पत्नी हो तुम्हारी, बेचना दूर रहा हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा सकते हैं आप, जो सजा देना चाहते हैं आप वो सजा दीजिए आप, आज रानी की ये बात सुनकर के हरिश्चंद्र अपने दुख को भूल जाते हैं। कहा, रानी
आज हमें पता चला है, जिस पुरुष के साथ आप जैसी नारी हो, भला उसके जीवन में दुख कैसे आ सकता है। कि जो ठोकर सी